हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक ऐसा कत्लखाना जहां सिर्फ हिरन काटा जाता था, पुलिस ने छापामारी कर यहां से 120 किलो हिरन का मांस बरामद किया है। मांस खराब ना हो इसलिए इसे फ्रिज में रखा गया है। ये पूरा मामला महाराष्ट्र के नासिक जिले के माले गांव का बताया जा रहा है, जहां एक फार्म हाउस में छापा मारा गया था। पुलिस का अनुमान है कि इतनी बड़ी मात्रा में हिरन का मांस यहाँ से बरामद होने का मतलब है कि करीब 50 हिरणों का शिकार किया गया होगा। फिलहाल इस मामले में फार्म हाउस से करीब 3 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि हिरणों का अवैध रूप से शिकार करने वाले गैंग से ये लोग संपर्क में थे और इन्हीं के जरिए हिरणों का शिकार करने के बाद उन्हें स्लॉटर हाउस में लाया जाता था। बता दें कि मार्केट में हिरण के मांस की बड़ी डिमांड है और इसके दाम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मगर अवैध रूप से हिरण का मांस पुलिस ने जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है।